रावण लंका का महाराजा रावण आज इंद्र इंद्र नहीं मेरे ठोकर का टुकराया हुआ और मेरे द्वार पर पड़ा रहने वाला भिखारी है। 33 कोटि देवता आज मेरे आज्ञाकारी सेवक है। बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्वनी बलते हैं मेरे ही इशारे पर। बना रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे ही द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे ही इशारे पर। मेरे अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में जा जाए, इले पर्वत मई को ले सकल संसार कर लाए। मेरे यशोर कीर्ति को जाल का संसार है, मेरा वैभव उच्च है, मेरा मित्र भंडार है। हाथ से कंपा दिया है लोग तो सुर धाम को, जानते हैं सभी लोग बाणासुर के नाम को। विक्रम केश बाणासुर तुम्हें प्रणाम करता है। प्रणाम मित्रवर, तो सब प्रकार से कुशल हो? हाँ मित्र, भगवान त्रिलोचन की असीम कृपा है। कहो आप यहाँ किस कारण से पधारे हैं? नहीं जानते क्या, आज इस मूर्ख जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है और सभी देश विदेश के राजाओं को यहाँ पर आमंत्रित करा है, पर इस मूर्ख अभिमानी ने पति रावण को निमंत्रण नहीं दिया। तू जलक, जब तूने इन राजाओं को अपने यहाँ बुलाया है, तब मुझ लंकापति रावण को क्यों नहीं संदेश पूछा? तमजा अभिमानी, तुझे अभी जगाता हूँ, पहले लूचित लंकेश, छोटी सी बात को इतना तुम ला दो, राजा जनक ने अवश्य ही आपको संदेश पहुंचाया होगा। हो सकता है किसी कारणवश आप उसे प्राप्त ना कर सके हो, इसलिए इसमें राजा जनक का जरा भी दोष नहीं। और यदि फिर भी आपका क्रोध शांत ना हुआ हो तो मैं राजा जनक की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूँ। मित्र बाणासुर, केवल तुम्हारे अनुरोध पर मैं जनक को क्षमा करता हूँ। जनक, अब मुझे स्वयंवर की शर्त बदलाओ। हाँ है महाराज, मेरी यही शर्त है कि इस शिव के धनुषी के साथ करूँगा। शंकर का धनुष और ये दिन को दिन के चौकरे चीटी में इतनी शक्ति कहा जो पत्थर में खोकरे, यदि हमें काम को
अपमान जाने का संसार में रावण खेलता। ये अभी मैं कहता हूँ, शंकर का धनुष उठाता हूँ, तेरा अभिमान भी पल में मिटाता हूँ। मित्रवाणासुर, ये तुम्हारे सब मुझे कायर और भयभीत नहीं बना सकते। लंकेश, मैं तुम्हें फिर कहता हूं, इस धनुष को तोड़ना तो तुम इसे उठा भी नहीं पाओगे और व्यर्थ में अपना अपमान कराओगे। यह तुम्हारी कल्पना मात्र भूल है वाणासुर। पहले बदलाव है सिया कहा, मैं उसे अभी ले जाऊंगा। ये धनुष बला है चीज क्या, मैं चिल्ला अभी चढ़ाऊंगा। मैं बलवान नहीं, मैंने देखने में आया है, मैंने शक्ति शंकर समेत कैलाश पहाड़ उठाए। रावण हो जा खबरदार, शंकर तब धनुष उठाता है, इन राजाओं के आगे क्यों गुरु का मान कराता है। दशानन ये अभिमान न कर, शंकर को धारा करने कर आभूषण है। उनके शरीर को राजी को दूल्हे की भांति झुलाया है, फिर कर क्यों ना करूं पल पड़ी जब पल इतना विस्तार है। लंकेश, मित्र होने के नाते मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, इस धनुष को तोड़ना तो दूर तुम इसे उठा भी नहीं पाओगे और व्यर्थ में अपना अपमान कराओगे। ये इन अपनी बातों और इरादों से बाज आओ, क्योंकि दशानन तुम पे ये शिव धनुष उठेगा नहीं। खैर चाहो तो कर दो यहाँ से दमन, बात बिगड़े तुम्हारी हंसी होएगी। है शंभू के जन्म में बड़ा ही वजन, श्री जनक की दुलारी ना तुम्हें मिले। लजपति क्रोध चाहे कोटि यतन, जो लिखा लेख विधि ने वही होएगा और वही बनेगा जानकी का सदन। मैंने बहुबार कैलाश को शिव जाई कर पर तोला धनुष को उठाऊ, अभी तोड़ कर चाप पहनू जयमाल को नष्ट जनक की लड़कों। इतने राजा यहाँ इकट्ठे हुए, पीठ कर सबको बनाऊ, अभी इन पूजाओं के बल पर तुम अपनी दारा सिया को बना हुआ। क्यों दस तीस मथा बकवास करे, अरे मन में तो ही कुछ लाज ना होवे। जब मैं शंभू की होए कृपा, वही तोड़ के चाप को माल गिरावे। और शंकर तोड़ हमार गुरु, शंकर तोड़ हमार गुरु, गुरु के धनु को मत हीन उठावे। लौट के लंक दशानन जाओ, अभिमान न्यावत शांत हटावे। आप कठोर निहार लियो, अजमाय लियो तभी मदारे, जो ना उठान की अभिलाषा तोये तो यहाँ भी नुकसान सतारे। मैं धनु शंभू का तोड़ दूँ, मजबूत महाबुद्ध भी समारे, माल हमारे गले में पड़े मैं धनुष को उठाने को आया ना कुछ, जिसको आया तो इच्छा बताऊं तुम्हें। ये रंग भूमि निरखनी थी सो लिखी मैंने, बस यही काम मैं सच बताऊं तुम्हें। सुनो, हूं मैं इतना बली के शिव धनुष के सहित उठाना चाहूं तो उठाऊं तुम्हें, पर ये कौतल मेरे गुरु जी का है, ना उठाऊं यही सच बताऊं तुम्हें। ओ बली है तो अपने बली बाप को, तू भूमि का भूपति बनावे नहीं। लोग पाताल में है पड़ा हुआ निर्लज, मन में तू लजावे नहीं। तोला सास गया बोध की जात कर, तोला सास गया बोध की जात कर, इसी में धनुष को उतावे नहीं। वैसे बनता है बड़ा मुसाफिर,
अपने संतु किसी का बनावे नहीं। अरे जो किताब बलि ने बामन को दी दान में, उस धरा पर करूं मैं कैसे दखल। वेद का पाठ करता तो पंडित बड़ा, इतना ज्ञानी हो फिर भी कमाई अकल। ये धनुष शंभु का ना किसी से उठे, चाहे उठे मिलके जगत ये सकल। मुझसे शिव ने कहा राम तोड़े से, अरे तोड़ ले जो तुझमें नहीं है अकल। अभी धनुष का उठाता हूँ। मुझे तुझसे कुछ नहीं कहना, मुझे तो यह धनुष तोड़ना है। तोड़ कर सीता को जीत लूं, फिर तुझे देखूंगा बाणा सर। तेरी लंका में आग लग चुकी है, जो तेरी कोमनी सी कन्या है उसे मैं दानव का पुत्र माया में लिए जा रहा है। अगर तुझे अपनी राज बचानी है तो बचा ले। क्या मेरी लंका नगरी में आग लग गई? अक्षय कुमार को भेज दो। वो नहीं है, मेघनाथ को भेज दो। मुझे भी करने गया है। आज किसी कारणवश ये धनुष मैं नहीं उठा पाया, परंतु बड़ी सभा में मैं ये प्रण लेता हूँ, सीते एक दिन लंका अवश्य निकलाऊंगा।